नमस्कार मित्र, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्यों दे रहे हैं परमाणु बम की धमकी, क्या पुतिन कर सकते हैं यूक्रेन पर परमाणु हमला। तो चलिए बिना विलंब के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा है। बुधवार को एक संबोधन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूसी क्षेत्र पर खतरे की स्थिति में रूस परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। अब इस बात को लेकर पश्चिमी देशों में चिंता जताई जा रही है। अब सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि अगर रूस ने ऐसा कुछ किया तो उसका प्रभाव क्या होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने संशोधन में कहा कि जो लोग हमें परमाणु बम को लेकर ब्लैकमेल कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हवा उनके दिशा में भी बह सकती है। अब परमाणु हथियारों की संख्या की बात करें तो फेडरेशन ऑफ अमेरिकी साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट के मुताबिक रूस के पास दुनिया के सबसे अधिक 5977 परमाणु हथियार है। कुछ रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका द्वारा जापान के दो शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति बन सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार रूस यूक्रेन पर टैक्टिकल परमाणु बम का प्रयोग कर सकता है। टैक्टिकल परमाणु बम हल्के होते हैं, जिसमें जिनके विध्वंस के ताकत 3 किलो टन से लेकर 100 किलो टन तक होता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर बम का प्रयोग युद्ध के क्षेत्र में सीमित प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। और आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा विध्वंसक परमाणु बम रूस के पास है, जिसका नाम है जार बम्बा। सन 1945 में जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर प्रयोग किए गए लिटिल बॉय और फैट मैन से 3000 गुना खतरनाक है रूस का परमाणु बम जार बम्बा। अमेरिका द्वारा जापान पर प्रयोग किए गए लिटिल बॉय का वजन 1400 केजी था तथा फैट मैन का वजन 1800 केजी था, लेकिन जार बम्बा का वजन 50 से 58 मेगाटन है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक रूस का परमाणु बम जार बम्बा कितना तबाही ला सकता है।